Hi friends, welcome to my channel House to Sweet Home. In today's video I'm going to share my picnic experience. We are going on beach as it's a perfect weather. It's not very windy, not too hot, so we just planned that we're gonna spend a couple of hours on beach. So abhi हम पहुंच गए हैं यहाँ पर. इट वॉज़ अ नाइटमेयर टू फाइंड अ पार्किंग. ट्रस्ट मी, इट वॉज सो हार्ड. इट लाइक इट टुक अस ऑलमोस्ट 15 मिनट्स एंड इवन देन वी कुडंट फाइंड द पार्किंग डाउन. वी नीड टू गो लाइक टू फार वे वी फाउंड द पार्किंग. सो माई हस्बेंड ही ड्रॉप्ड मी, माई चिल्ड्रेन एंड माई मम हियर सो दैट वी कैन make some arrangements because we are very hungry. We just want to have our lunch straight away. और वो लोग अभी पार्क कर कर और सामान लेकर आ रहे हैं, तो अभी बस हम यहाँ पर पहुँच गए हैं. दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक. तो यहाँ पर इन्होंने, इट्स लाइक बीच, पर इन्होंने दे हैव मेक प्रॉपर प्ले एरिया फॉर चिल्ड्रन. लाइक देर इज़ अ पूल एंड इवन फॉर देर इज़ अ लिटिल बीच. तो वो थोड़ा सा बीच का पानी इन्होंने इधर की साइड करा हुआ है, सो इट्स ईजी फॉर लाइक द पीपल टू प्ले इन वाटर. बहुत ज़्यादा वेव्स नहीं है यहाँ पर, तो अभी बस हम यहाँ पर टाइम स्पेंड करेंगे. और मेरे बच्चे सैंड कैसल बना रहे हैं एंड दे आर हैविंग लॉट्स ऑफ फन. तो अभी यहाँ पर हम खेल कर आ चुके हैं. वी प्लेड विद अ बॉल पानी में, और जिसको स्विमिंग करना था उन्होंने स्विमिंग करा. तो एंड वी ऑलरेडी हैड आवर लंच. Sorry, I couldn't share the lunch because at that time we were so hungry and I just couldn't make it. But I'm gonna share my tea routine. So yahan par main chai bana rahi hu. I already added tea bags and cardamom and star anise seed in the water. To abhi ye acche se boil ho raha hai. And this time I got the fresh milk. Normally I take the long life, but it wasn't like too hot, so I thought I will take the fresh milk because my children, they don't like long life milk. They only like to drink the fresh milk. So abhi jab ye, this kettle is so useful when, trust me, like if you're going outside, this gas and this kettle is so much useful because in Melbourne it's so windy all the time. So if you are making your tea like in an open pot, in an open pan, it will take ages to boil. So but because this kettle, you can cover it with a lid, तो चाय काफ़ी अच्छे से और बहुत अच्छी बनती है, जल्दी भी बन जाती है. अभी मिल्क मैंने डाल दी है और देखो, आप देखेंगे कि कितने अच्छे से बॉयल हो रही है. तो अब मैं अपनी चाय एंजॉय करूँगी और आप भी, बिकॉज अभी हम ठंडे ठंडे पानी से निकल कर आए हैं, सो वी आर फीलिंग वेरी कोल्ड एंड वी रियली वॉन्ट टू हैव अ नाइस कप ऑफ टी. तो बस मेरी चाय बन गई है, पाले जी बिस्किट के साथ हम चाय पियेंगे. और प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो अगर आपकी फैमिली में भी सबको पाले जी बिस्किट अच्छा लगता है. एंड वी लाइक वी लिव ओवरसीज, बट आई स्टिल लाइक ब्रिंग पाले जी बिस्किट एंड वी लाइक टू डिप इट इन अवर टी एंड ईट. इट इज सो माउथ वाटरिंग. लाइक हम बचपन से ये चीज़ें करते आए हैं, सो वी कांट स्टे विदाउट दीज थिंग्स ना. तो आप भी ज़रूर बताइएगा अगर आपको ऐसे चाय के साथ पाले जी बिस्किट डिप करके पीना अच्छा लगता है. तो बस अब हम अपनी चाय एंजॉय करेंगे एंड देन वी विल लीव बिकॉज हम यहाँ पे आज ज़्यादा देर नहीं रुके हैं. नॉर्मली हम मॉर्निंग में आ जाते हैं एंड वी स्टे हियर लाइक अंटिल लेट, बट टुडे वी हैव टू गो फॉर डिनर एट समवनस प्लेस, सो वी आर लीविंग अर्ली. जस्ट वी केम हियर बिकॉज इट वॉज गुड वेदर एंड वी वर टायर्ड फ्रॉम होल वीक, सो we thought it will be a good change for the whole family. To abhi bas main apni chai enjoy karungi and I hope you like my video and please give a thumbs up.